अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान रज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कोरल ड्रॉ में यूज़ ऑफ शेप टूल्स। आज मैं आपको बताऊँगा रेक्टेंगल टूल के बारे में, रेक्टेंगल F6 और 3-point रेक्टेंगल, इलिप्स F7 और 3-point इलिप्स के बारे में। उसके बाद आपको पॉलीगॉन, स्टार्स, स्पाइरल, कॉमन शेप्स और इम्पैक्ट टूल के बारे में। सो फर्स्ट रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं। इससे फ्रेंड्स आप रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, 3-point रेक्टेंगल्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे आप 3-point शेप ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह सर्कुलर शेप, इलिप्स और 3-point इलिप्स है, इलिप्स F7 इलिप्स। अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट को दबाएंगे तो आप एक अच्छी अंदाज में सर्कल बना सकते हैं, 3-point इलिप्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इलिप्स, जब आपने इसको क्लिक कर दिया, ये इलिप्स बन गया। नेक्स्ट पॉलीगॉन वाईसी, पॉलीगॉन शेप टूल की मदद से आप इसको स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा स्टार में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहेगा स्टार टूल। नेक्स्ट स्पिरिचुअल स्पाइरल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉमन शेप्स। कॉमन शेप जैसे ही हमने सेलेक्ट की, ऊपर हमारे पास देखिए फ्रेंड्स मुख्तलिफ कॉमन शेप्स आ गई हैं। ये सारी कॉमन शेप्स हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपनी शेप, ये पॉइंट का मतलब है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस जिस शेप में आपको ये पॉइंट नज़र आएगा उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आपको पॉइंट नज़र आ रहा है। ये मुख्तलिफ कॉमन शेप्स हैं जो कि कोरल ड्रा की अपनी शेप्स होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप दो तरह से चेंजिंग कर सकते हैं, 1 और 2। ये शेप्स अक्सर यूज होती हैं, ये सारी कोरल ड्रॉ की अपनी शेप्स हैं। इससे आप इसकी सेटिंग शेप की तब्दील कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्मॉल डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी इसकी मुख्तलिफ शेप्स, जो कि आप जहाँ से इसकी आप शेप से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे इसकी डिफरेंट शेप्स हैं जो कि इसकी अपनी शेप्स हैं, आप इसको जस्ट सेलेक्ट करें और शेप ड्रा करें। ये फ्रेंड सारी इसकी शेप्स हैं, बैनर शेप्स, फ्लोर चार्ट शेप्स, एरो शेप्स, बेसिक शेप्स। ये बैनर में शेप्स यूज होती हैं, ये उसके लिए बैनर शेप्स। ये कॉल आउट शेप्स, जब भी आप किसी से टॉक करते हैं, कॉल करते हैं, तो आपने देखा होगा किसी पिक्चर पर एक्स या साइन अक्सर बने होते हैं कॉल के लिए, कि ये पर्सन बात कर रहा है, ये सुन रहा है, तो उसकी बात के आगे ऐसे के साइन बना होता है कि ये पर्सन बात कर रहा है, तो इसको कहते हैं कॉल आउट शेप्स। और ये बैनर शेप्स हैं मुख्तलिफ, जो कि अक्सर बैनर्स पर आप देखते हैं कि वो यूज़ हुई होती हैं, जिसके अंदर नाम वगैरह या कोई भी चीज़ लिखी होती है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल ये बहुत लाइट सा टूल होता है, जो आप पिक्चर के इम्पैक्ट दे सकते हैं। जैसा कि आपने मेरी पिक्चर देखी होगी, इन पेज 3 वाली वीडियो आपने मेरी देखी होगी, उसमें बेसिक डिफरेंस ऑफ इन पेज 9 एंड इन पेज 3, उसमें मैंने ये इम्पैक्ट टूल का यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर की मदद से आप ग्राफ पेपर बना सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं ग्राफ पेपर में। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आप ऐड कर सकते हैं, इसके आउटलाइन में आप चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, ये हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हमारी ऐड हो रही हैं।
अब हमने ये ऊपर सेलेक्ट किया 16 और 21। अब ये देखिए हमारा ग्राफ पेपर बना है 16 और 21 का। जूम काट के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जितने आप सेलेक्ट करते हैं उतने ही। अब मैं इनको कम कर रहा हूँ तो ये देखिए ग्राफ पेपर में आप कम आ रहे हैं। नीचे वाले को भी अब हम कम करते हैं, ये देखिए फ्रेंड, ये ग्राफ पेपर की आप सेटिंग भी इससे कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का ग्राफ पेपर बनाना चाहे तो आप यहाँ से बना सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।